क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर का क्या काम होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि एक क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको क्या करना पड़ता है। तो आए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटी का मतलब क्या है। सिंपल, हर किसी को ये पता होगा के क्वांटिटी का मतलब है मिकदार। किसी भी चीज़ की अमाउंट को हम क्वांटिटी कहते हैं। तो एक क्वांटिटी सर्वेयर का काम यह होता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के क्वांटिटी, मतलब के मटेरियल की जो क्वांटिटी उसमें यूज़ होगी, उस क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाना, उसकी बिल्कुल एक अच्छे प्रॉपर तरीके से थ्रू कार्टोग्राफी प्लान एक अमाउंट बनाया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है, उसकी डेटा बनाई जाती है कि इसमें कितनी अमाउंट जो है वो कंक्रीट आएगी, कितनी अमाउंट ऑफ आयरन स्टील्स की आएगी जो कि उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ होगी, और उसमें कितनी अमाउंट सीमेंट की आएगी, उसमें कितनी अमाउंट जो है वो रेड सैंड की आएगी, वाइट सैंड की आएगी, वर्ड्स ओवर, मतलब कि कोई भी चीज़ उसमें यूज़ होती है तो उसके अमाउंट को वो क्वांटिटी सर्वेयर कैलकुलेट करता है कि इसमें कितनी अमाउंट किसी चीज़ की कहाँ पर यूज़ होगी। तो दोस्तों, एक क्वांटिटी सर्वेयर इंजीनियर को ऑटोकैड का नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मटेरियल्स के यूजेज को कैलकुलेट करता है। तो उसको ऑटोकैड के थ्रू एक प्लान बनाना पड़ता है, जिस प्लान में उसकी डायमेंशंस की जो है वो बिल्कुल डेटा दी जाती है, डायमेंशंस उसके निकाले जाते हैं, उसकी लेंथ, उसकी साइज, बिल्कुल सारी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, जिसके थ्रू उसको इजी बन जाता है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल किस जगह पर, किस चीज़ पर, किस स्टेज पर हमें यूज़ करनी होगी। नंबर टू, एक क्वांटिटी सर्वेयर को एक्सेल का यूज़ करना भी ज़रूरी होता है, तो उसको एक्सेल के यूजेज का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल के थ्रू भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजीली डेटा निकाल लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कितनी अमाउंट मटेरियल्स की यूज़ होगी। तो चाहे वो जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो एक बिल्डिंग की हो, या एक रोड की हो, या किसी और चीज़ की हो, ब्रिज की हो, लेकिन वो होता तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, तो वहाँ पर इन सारे स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, इन सारे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक क्वांटिटी सर्वेयर को ऑटोकैड के साथ साथ एक्सेल के यूजेज का भी पता होना ज़रूरी होता है। तो आज हमारे इस वीडियो का मकसद यही था कि एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या काम होता है। इंशाल्लाह वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।